तो ऐसे ऐसा कुछ आया, तो उसमें से कुछ कमेंट सब देख रहे थे, कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो, आपको जो है बहुत अहंकार हो गया है, पता नहीं किस बात का अहंकार है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल है अष्टमी और अष्टमी को लेकर के जो है करनी भी है खरीदारी, तो फिलहाल जो है मम्मी को लेकर के जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए, फिर उसके बाद जो है आएंगे। और क्रियांश को पता चल गया है कि पापा कहीं जाने वाले हैं, पापा कपड़ा सा पहन करके तैयार हो गए हैं, तो क्रियांश एकदम एक्साइटेड है, हम भी जाने वाले हैं। पापा आइए, पापा देख रही है खुशी, पापा आइए, मालूम चल गया पापा कहीं जाने वाले हैं। तो चलते हैं जी, मम्मी को जाकर के पहले पूजा करवा देते हैं पास का ही मंदिर, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो माँ का तो पूजा करवा दिया जी, माँ को पूजा करवाने के बाद अभी जा रहे हैं दुकान, कुछ नाश्ते के लिए लाना है। अभी दिक्कत क्या है कि हम लोग जो खाली सिंधा नमक का चीज सब खा सकते हैं, और नॉर्मल नमक जो है अभी हम लोग का नहीं डलेगा, तो इसलिए कुछ जा रहे हैं ब्रेड सब लेते आते हैं, तो वही सब खाते हैं। नाश्ता करने से पहले बारी आ गई जी आरती की, तो सभी लोग इकट्ठा हो गए आरती करने के लिए, और साथ में है क्रियांश। क्रियांश को लेकर के जो है आरती पर ध्यान देना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रियांश जो है गोद में रह करके शैतानी करते रहता है, कभी मेरा चश्मा फेंक देता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गोद से उतरना चाहता है, बड़ी मुश्किल से उसको गोदी में रख के पूजा की जाती है। तो सभी लोग चल रहे हैं जी नीचे, सभी लोग करेंगे नाश्ता भी चल के, और हम लोग का आरती हो गया है। दिक्कत है, मेरा बेटा बहुत चटोर है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसलिए सब बंद है, तो किस तरह का नाश्ता किया जाए। तो बोले ब्रेड ला दो, तो उसके अलावा कोई उपाय दिखा दे, बाय। तो यहाँ पे क्रियांश खेल रहा है, क्रियांश को मैं नीचे रख के आई थी कि ये थोड़ा मैं काम वम कर लूं, बस जैसे मैं काम स्टार्ट करती हूँ फिर ये आ जाता है, मार रहा है क्रियांश, ये मार रहा है मुझे। नो क्रियांश, नो नो क्रियांश, नो क्रियांश, क्रियांश ये देखो मम्मा वीडियो बना रही है, देखो तो इधर मम्मा वीडियो बना रही है, नो जैसे ये देखता है ना कि वीडियो बन रहा है फिर ये बदमाशी नहीं करता है क्या बेटा, पूछ ही ले दो सबको, नो क्रियांश। ये देखो इसने कितने बाल तोड़ दिए मेरे, इतना दर्द कर रहा है, इतना जोर से खिंचाई है, अब बाल भी इसी ने खोला है, मैं बाल में पूरा रबर लगा के रखी थी और पूरा रबर को खींच के मेरा बाल खोल दिया। क्रियांश कहाँ गया, क्रियांश क्रियांश ग्लास लेने चला गया, और क्रियांश को दिखाया कहाँ पर है, क्रियांश क्रियांश आ गया यहाँ पर इस सोफा के नीचे, ये देखिए आप। The next day. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग बहुत पहले उठ चुके हैं, क्रियांश अभी तक सोया हुआ है, और रात में वो एक दो बार उठा था, ऐसा नहीं कि रात में पूरा रात जगा है, वो रात में एक दो बार उठा था फिर भी अभी तक सोया हुआ है। कभी कभी उसको पता नहीं क्या होता है, कभी कभी वो सुबह 5 बजे ही उठ जाता है, कभी कभी वो 9 बजे उठता है, और इधर ये घूम घूम के ब्रश कर रहा है। तो मैंने रात में ही कपड़े धो लिए थे अपने, तो चलती हूँ छत पे फैलाने के लिए, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, क्रियांश उठ जाता है। तो पति देव पूरा बाल्टी भरा हुआ था, तो ये रख दिए यहाँ पे बाल्टी, अब ये जा रहे हैं, मैं फैला लूंगी। ये क्रियांश सोया हुआ है, मतलब वही आस पास रहेगा, वो बोल नहीं देता है, उठेगा तो बोल नहीं देगा। जय करेगा, जय करो, दीदी को देख रहा है, जय कर लो, जय जय, हम भी जा रहे हैं, दादी को करो, दादी को, दादी करो जय, जय जय, नहीं छीनेगा मोबाइल, ये दो, ये लेगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बता रहे हैं, आपने बताया कि क्या, वो भी बताते हैं कि काशी हमारे लिए आप लोग बाती, बताते हैं खोइचाम देने के लिए दूसरा मंगवा लीजिए, दूसरा एक किलो ले लेंगे खीर वाला, और थोड़ा सा ले लीजिएगा सत्यानाश, देखो क्या किया, क्या कर दिया ही। तो जिया का तो नहाना हो गया जी, हमारा नहाना अभी तक हुआ नहीं है, तो जिया जल्दी से अपना पूजा पाठ कर लो, मंदिर भी चलना है और शॉपिंग भी करना है, तो चलते हैं जल्दी से। तो हमारा भी हो गया है जी नहाना, तो सीधा चलते हैं मार्केट और जल्दी से चल करके जो है खरीदारी शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए जी रिलायंस ट्रेंड, और हम लोग पहुँच गए एकदम सुबह सुबह, तो चलते हैं।
तो हम लोग चल रहे हैं जी, सबसे पहले जा रहे हैं पापा के लिए कपड़ा लेना है हम लोगों को, तो चलते हैं अंदर। डैडी ये सब थोड़े पहनेंगे। वही तो बाद में आए थे ये देखिए हम, फिर हमको लगा। कोई बात नहीं, तो डैडी के लिए देख रहे हैं जी कौन सा यहाँ पर अच्छा रहेगा। अच्छा, फॉर्मली पहनेंगे लग रहा है वो। हाँ। ये तो हम ले गए थे नहीं, ये वाला शर्ट ये भी ले गए थे, हाँ ये वाला भी, लेकिन अभी तक पहने नहीं है, बस रखा हुआ है। कोई बात नहीं, पहन लेंगे किसी और दिन। तो फाइनली जी एक शर्ट जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया है, और पैंट तो उनका ब्लैक था, इसमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं था। अपना जो कपड़ा लेना होता है इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, तुरंत ले लेते हैं। लेकिन पापा को लेकर के थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि आखिर पापा को कौन सा पसंद आएगा, क्योंकि जो भी थोड़ा सा लेते थे जो हम लोग को पसंद आया ऐसा लगता था पापा ये तो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है और पतिदेव वहाँ पे बिलिंग करवा रहे हैं। तो हमारी खरीदारी हो गई जी, खरीदारी करने के बाद जो है अब करनी है जिया की खरीदारी। तो जिया को भी एक सूट लेना है, क्रियांश के लिए भी एक कपड़ा लेना है, उसके बाद जो है हम लोग नहीं लेंगे। तुम नहीं लेना है, एक तो लेना ही है सबके लिए। जिया खरीदती है, जिया के लिए नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो जिया का भी खरीदना है और साथ में फल सब भी लेना है, और बाकी सब जो भी चीज होता है वो सब भी बचा हुआ है। और तो, आज सबका हमारे घर में सबका फास्ट। तो हम सोचे थे कि हमारा जो है सारा शॉपिंग सब जो है जल्दी हो जाएगा, घर जाएंगे और ब्लॉग जल्दी एडिट करके हम जो 2 बजे तक डाल देंगे, लेकिन आज लग रहा है 2 बजे नहीं आने वाला है, अब आज रात के 9 बजे ही आएगा ब्लॉग। यहाँ पर आगे जी केला लेने के लिए, और अच्छा अच्छा केला मिल रहा है यहाँ पर, एकदम पूरा मोटा मोटा एकदम। 108 कितना लेगी गोभी? 1 किलो। 1 किलो ले लो। सुनो खीरा लेगी क्या? अच्छा खीरा लग रहा है। तो खीरा भी हमें काफी अच्छा लग रहा है जी। बारी है दिया खरीदने की, तो दिया जो लेना है लगभग 1 दर्जन के करीब लेना है, और यहाँ पर जो ढेर सारा दुकान है दिया का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर के खरीद रहे हैं। बाकी जगह खरीदारी करने के बाद जी यहाँ पर आ गए हैं। जिया देख रही है फेस्टिव लुक में जो है क्रियांश के लिए कुछ, मुझे दिवाली में ऐसा चाहिए, दिवाली में ऐसा चाहिए, बोल रही है कि और भी आ जाएगा तो समय लिया जाएगा, तो चला जाए अब पहले बिल कर लिया जाए, जितना रुकेगी और मन करेगा खरीदने का। अब हम लोग आ गए हैं जी अपने घर के पास वाले मार्केट में, तो यहाँ चलते हैं। तो यह है दशकर्मा भंडार, पूजा का जितना भी सामान सब होता है हम लोग लगभग यहीं से लेते हैं। क्या ये आईफोन है ये? तो हम लोग जी घर पहुँच गए हैं, और घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जब हो रही है पूजा की तैयारी, और क्रियांश मम्मी को बोल रहे हैं वहाँ से हटने के लिए। हाँ नहीं, तुम्हारा झुमका टारगेट किया है वो शायद। अंदर जाना है इसको, अंदर जा करके तबाही मचाना है। देख सकते हैं इन दोनों का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देख रहे हैं क्या चल रहा है। ये लो बॉल, बॉल 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 तुम्हारा बॉल ये। चलो चलो दादी बुला रही है, जय करने चलो। तो यह धुबरी चाहिए था तो धुबरी ले लिया जी हमने जी। यह घास है जी, बहुत लोग शायद धुबरी नहीं समझ रहे हो, हम लोग के साइड जो है इस तरह छोटा छोटा जो नन्हा घास है इसको धुबरी ही बोला जाता है। तो चलते हैं सीधा और मम्मी को जा करके दे देते हैं। बाकी मेरे पूरे मोहल्ले का जो है रोड का हालत कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। तो इस तरह से जो रोड की हो गई है खुदाई जी, असल में चल रहा है नल जल योजना के तहत जो है पूरे मोहल्ले में जो है पानी का पाइपलाइन जो है बिछाया जाएगा और घर घर जो है पानी पहुंचेगा, शायद कुछ ऐसी ही योजना है सरकार की। तो उसी के तहत जो है रोड को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से जो है अपनी गाड़ी को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, वरना सोचा था कि मम्मी पापा को जो है कहीं आसपास जो है लेकर के चलेंगे और उनको जो है थोड़ा सा घुमा देंगे, दर्शन भी कर लेंगे, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसा हो गया है कि अब जाना ही मुश्किल है। हेलो ये धूप दो दो आज महाअष्टमी व्रत है, महागौरी की पूजा होगी। हाँ। माँ गौरी से हम प्रार्थना करते हैं कि सब कोई सुखी रहे और सबका बाल बच्चा परिवार आनंद से रहे, लेकिन माँ गौरी से एक प्रार्थना मिली है कि आप हर युग में राक्षस विनाश किए इस युग में भी कीजिए ताकि इंसान जिए। माता भगवती से यही प्रार्थना है, आज हम व्रत में है और संसार की हर स्त्री का नैहर सासुर दोनों जीवित रहे, उसका मान सम्मान बरकरार रहे। तो यहाँ पर जी पूजा पाठ तो हो गई, उसके बाद जी शाम में है फलाहार का समय, तो शाम में सभी लोग चलेंगे मंदिर, और मंदिर में जो है पूरा परिवार चलेंगे और वहीं पर जो है पूजा करने के बाद जो है खोइचा वहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद घर आएंगे, फिर फलाहार होगा। तब तक जो है अभी तो हम पानी भी नहीं पिए हैं अभी तक,
बस संयोग ही है नहीं, पानी पी लिए शायद, पानी सुबह अभी पिया है, पानी कुछ देर पहले पिए हैं, लेकिन कुछ भी अन्न किसी भी तरह का कोई भी चीज ग्रहण अभी तक नहीं किया है। सुबह होगा, सुबह को कुमारी पूजन होगा, कुमारी पूजन के बाद वही प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे, तो अपना खाना पीना कल से जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद होता है जैसे पूर्व खाते थे तब शुरू हो जाएगा। हम लोग गए हुए थे बाहर और क्रियास्थल में अकेला टीवी खोल लिया था हमने, तो बाहर से जो खटखट की आवाज आ रही थी तो सोच रही थी क्या आवाज आ रही है, तो यह जो है अच्छा खासा खड़ा था, इसको क्रिया से उल्टा दिया और उसके ऊपर हथौड़ा मार रहा है, चलिए जी अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात के लिए। जी बात क्या है, पिछला ब्लॉग हमने डाला था और उस ब्लॉग में जो हमने रिक्वेस्ट किया था सभी लोगों से कि प्लीज अब जो है घर आना बंद कर दीजिए, तो जब हमने यह रिक्वेस्ट डाला था तो बहुत सारे लोग तो समझ गए हमारी बातों को कि हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप जो है अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्रियांश की सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, तो ऐसा ऐसा कमेंट सब आया, तो बहुत सारे लोग समझे, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद नहीं समझा या जानबूझ करके हेट फैला रहे हैं, कुछ होंगे शायद एक दो लोग, मुझे लगता है वो पूरा ब्लॉग यह हो सकता है पूरा ब्लॉग नहीं देखे, शायद उन्होंने रीजन नहीं देखा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और आई बटन में भी डाल देंगे, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो ऐसे ऐसा कुछ आया, तो उसमें से कुछ कमेंट सब देख रहे थे, कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो गए, आपको जो है बहुत अहंकार हो गया है, पता नहीं किस बात का अहंकार है। जी हम उनसे कहना चाहेंगे, जी हमें किस बात का घमंड होगा, आखिर हमारे पास ऐसा क्या खास चीज है जो हमारे सब्सक्राइबर है जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास ऐसा नहीं है, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना एक इनकम है, अपना परिवार अपना एक जो है उसका जो है पालन पोषण सब कर रहे हैं, और क्या है हमारे पास, आखिर हम किस चीज का घमंड करेंगे। तो जी हमें घमंड बिल्कुल नहीं है जी, हम एक पत्थर की तरह हैं, एक पत्थर को जहाँ पर रख दीजिए, चाहे बहता धार हो, चाहे हवा धूल मिट्टी कहीं पर भी रख दीजिए, पत्थर वहीं टिका रहेगा, हम वैसे ही है जी, हमको बिल्कुल भी किसी चीज का अहंकार नहीं है। तो प्लीज आप लोग जो है गलत मत समझिएगा, हमारी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने जो है सभी को मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं आइए। बहुत लोग आए जो सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका YouTube चैनल स्टार्ट हुआ था, उनको हेल्प चाहिए थी, तो हमने सबकी मदद की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब वो पता नहीं, आपने ब्लॉग देखा होगा तो फिर आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो प्यार करते हैं, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं चलता है ना कि कौन से लोग हमें प्यार करते हैं और कौन से लोग जो है हमें देखना पसंद नहीं करते हैं, हमारा एक अच्छा सा इमेज आप लोगों के सामने बना है और उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर भी हमें इतना परेशान किया, इस वजह से हमने सबको बोल दिया, इस वजह से आप लोग हमारी प्रॉब्लम को समझिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, ज्यादातर लोग समझ चुके हैं, लगभग हमको लगता है कि 95% लोग समझ चुके हैं, बस वो 4-5% है, हमें बस यह कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मुझे यही लग रहा है, अगर आपने देखा होता तो बोलते ही नहीं, हो सकता है वो समझ करके भी ऐसे कर रहे हो, पता नहीं जो भी हो जी, बस मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों को मिलना है, हमें भी मिलना बहुत अच्छा लगता है, कल भी मैं मंदिर गई थी, बहुत सारे लोग मिले थे दुर्गा मंदिर में, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और कटिहार इतना बड़ा कोई शहर है नहीं, कहीं भी मैं मीटअप रखूंगी तो आप लोग मिल सकते, वहाँ पर आइए जी, मिलेंगे, ढेरों बातें करेंगे, तो ऐसा करते हैं जी, उम्मीद है कि अब जो है हमारी तरफ से जो है सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, और अब जो है किसी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे, हमें घमंडी तो नहीं कहिए जी, हम लोग बिल्कुल घमंडी नहीं है। जो भी मिले होंगे उनको तो पता होगा, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।